हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की स्टूडियो हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के जो एडमिट कार्ड्स यूज़र अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं, तो उनके ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। सो आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, देन आफ्टर डैट यहाँ पर फिल कर दीजिए NTA UGC NET या UGC नेट NTA कुछ भी सर्च कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। सो फिलहाल आफ्टर लॉगिन तो यहाँ पर आप लॉगिन करके उनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो यहाँ से एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिंक आ रहा है, डायरेक्टली आप उनका जो लिंक है UGC नेट का यहाँ से ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आपको पहले उनकी NTA की वेबसाइट पर जाना होगा, फिर लिंक पर जाएंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ से चले जाते हैं उनकी वेबसाइट पर जो UGC नेट का लिंक है। तो यहाँ से देखिए इस बार इन्होंने दो मेथड्स बताए हैं जिसकी हेल्प से आप डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जो गूगल क्रोम में इग्निटिव मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे कीबोर्ड से, देन ये हमारा यहाँ पर इग्निटिव मोड ओपन हो गया है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी आप इसमें काम करेंगे वो आपकी हिस्ट्री बैकेंड में सेव नहीं होगी। तो फिलहाल यहाँ से मैं डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ। सो जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए टू वेज जिसकी हेल्प से हम यहाँ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट वन एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, लेकिन काफ़ी यूजर्स अपने पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसके लिए इस बार इन्होंने नया ऑप्शन ऐड किया, डेट वन इज डेट ऑफ बर्थ। सो फिलहाल अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं, भूल गए हैं फिलहाल ये ऑप्शन, तो सेकेंड वन होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है, डेट वन इज एप्लीकेशन नंबर। अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो उसको कैसे रिकवर करेंगे वो देखते हैं। सो इनमें से किसी भी एक लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। आफ्टर क्लिकिंग तो नेक्स्ट यहाँ पर लिंक ओपन हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड है और फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर। तो फिलहाल पासवर्ड तो फिलहाल आपके पास है लेकिन एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो यहाँ से फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पर करेंगे। फिलहाल ये दोनों जब आप रजिस्टर करते हैं, आपकी ईमेल आईडी और जो आपने फ़ोन नंबर वहाँ पर रजिस्टर किया होता है, उस पर आपको दोनों पर एक SMS में आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले उस कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे जिसका आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसके फादर नेम, देन मदर नेम, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर कैप्चा सिक्योरिटी पिन फिल करना, यहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। फर्स्ट मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पर देखिए थ्री मेथड्स आ रहे हैं रीसेट करने के लिए। सबसे पहले तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू जब आप करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस फिल किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इसमें पहले आपको एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा। तो फिलहाल ये मेथड हमारे पास वर्क नहीं करेगा। तो फिलहाल यहाँ से मैं होम पर आ रहा हूँ। होम पर आने के बाद हम फिर से फॉरगेट पर क्लिक करते हैं, दूसरा मेथड ट्राई करके देखते हैं। सो यूज़ ए वेरिफिकेशन कोड टू वाया टेक्स्ट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस पर जाएगा, ओके कर दीजिए। सो इस पर आपका जाएगा कोड, उसके लिए भी देखिए आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर चाहिए वो आप फिल करेंगे। देन आफ्टर फिलिंग यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो चला जाएगा। फिलहाल ये भी सेकेंड मेथड हो गया, फिर से हम होम पे जाते हैं। देन थर्ड जो मेथड है इसमें फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, अगेन इसमें आपका एक लिंक जाएगा, आपकी ईमेल आईडी जो आपने उस टाइम रजिस्टर्ड की थी वाइल फिलिंग योर UGC नेट फॉर्म। तो ये तीनों मेथड से आप काफ़ी इजी है रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास पूरी डिटेल्स हैं, पासवर्ड है, फिलहाल डेट ऑफ बर्थ तो सभी के पास होती है, मेनली प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन नंबर में। तो फिलहाल NTA की वेबसाइट ने काफ़ी अच्छे मेथड्स दिए हैं जिससे आप पासवर्ड वगैरह और एप्लीकेशन नंबर रिकवर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने ये की है इस बार की जो एप्लीकेशन नंबर के साथ उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के साथ लिंक कर दिया है और दूसरा इन्होंने पासवर्ड के साथ लिंक कर दिया। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यूजर्स ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन नंबर तो फिलहाल चलो भूल जाते हैं, वो तो मैंने रिकवरी का मेथड बता दिया, पासवर्ड ही भूल जाते हैं, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो सभी की आपको पता है, जो भी उनका डिटेल है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग वो लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक आपको एडमिट कार्ड का लॉगिन करके बताता हूँ। सो मैं यहाँ पर उनकी वेबसाइट पर चला गया, देन आफ्टर गोइंग ऑन वेबसाइट मैंने यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड किया। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सेकेंड ऑप्शन किया थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर है वो आप फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप चूज़ कर लीजिए, मंथ चूज़ कर लीजिए, उसके बाद जो भी उसका ईयर है, और यहाँ पर कैप्चा, अगर आप कोई सिक्योरिटी पिन क्लियर नहीं है, कैप्चा क्लियर नहीं है, तो आप इसको यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं फिर से। तो फिलहाल ये मैंने फिल कर दिया, और जब साइन इन किया तो ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो मेरा पूरी डिटेल्स है शो हो गई हैं।
एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से आप डायरेक्टली देखिए डाउनलोड कार्ड एडमिट डाउनलोड कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से डिफरेंट डिटेल्स देख सकते हैं, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारा डिटेल काफ़ी इस बारे इन्होंने अपडेट किया है, सब सब कुछ यहाँ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कन्फर्मेशन पेज वेरीफाई कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सारा कुछ चेंज भी कर सकते हैं, बट आपको सबसे पहले इसके अंदर लॉगिन होगा करना होगा और उसके बाद अगर कोई आपकी क्यूरी ऐसी में इन्होंने देखिए इस बार कर दिया है, होता क्या है कि आप मेल्स वगैरह करते हैं उनको कई बार प्रॉब्लम आती है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें ब्लॉक ऐड किया रजिस्टर्ड क्वेरी, कोई भी आपकी क्यूरी है उसका स्नैपशॉट लीजिए और यहाँ पर देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर रिजेक्ट कर दिए हैं, मल्टीपल आपने कुछ डुप्लीकेट कर दिया है, जो भी आपकी क्यूरी है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए, अगर कोई अलग है तो अदर पर क्लिक करके यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए और जो भी उसकी है आपके पास पीडीएफ या जेपीजी क्रिएट की है उसका साइज रखिए 10 to 200 KB के बीच में और यहाँ से चूज करके आप उसको अटैच करके सेंड कर देंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो वहाँ पर वो चला जाएगा। अगर आपने कुछ गलत ऐड कर दिया रीसेट करिए तो सारा यह फॉर्म यहाँ से रीसेट हो जाएगा, तो आप नए वे से उसको फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करके उसको अटैच करके सेंड कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको पासवर्ड थोड़ा डिफरेंट या डिफिकल्ट लगता है, और बाद में जब आपकी क्यूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी तो जब आप रजिस्टर्ड क्यूरी पर उनकी क्यूरी यहाँ से अपनी क्यूरी अपलोड कर देंगे तो क्यूरी स्टेटस में वो जो भी रिप्लाई करेंगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड में आ जाएगा कि उसका सलूशन क्या है। फिलहाल सलूशन काफ़ी जल्दी कर देते हैं ये, तो फिलहाल इनकी जो डिफरेंट शिफ्ट चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैंने आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स बताई जो काफ़ी यूजर्स फेस करते हैं, तो इसको करके देखिए फ्यू फेस एनी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ के साथ कोई भी आपका इसके रिलेटेड क्वेश्चन या क्यूरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी लॉगिन नहीं हो रहा आपका एप्लीकेशन नंबर उसमें कोई एरर दे रहा है, सो इसके रिगार्डिंग कोई भी टेक्निकल इश्यूज के अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए, सो डैट वो भी इन पर्टिकुलर डिफरेंट मेथड्स का अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लाइक पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर उनको सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।